बाइक की जो क्लच प्लेट है वो बैठ गई है बिल्कुल। वाह साउंड ऐसा है मस्त। लाओ बिल दे दो भाई साहब, इतने चौक के क्यों देख रहे हो। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, और कल है संडे राइड, और ये संडे राइड नॉर्मल संडे राइड जैसा नहीं है। तो ये जो राइड है हमारी वन नेशन वन राइड है, जो सालों में एक बार होता है। तो लगभग 1000 से ज़्यादा राइडर आने वाले हैं इस राइड में, पूरे दिल्ली NCR के बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन होंगे, तो उसी की तैयारी हम भी कर रहे हैं। सैटरडे है और बंस जो है हमारा ये देखो सफाई में लगा हुआ है। तो पहले हम लोग पूरे बाइक पे चैन वगैरह में एकदम अच्छे से डीजल मार लेते। डीजल मारने से क्या होगा कि बाइक पे जो भी ऑयल वगैरह जमा होता है ना वो साफ हो जाएगा। उसके बाद हम वॉश कराएंगे। वॉश ये देखो डीजल हमने यहाँ रखा हुआ है, इसमें हमने काफी, चलो वंस एक बार और डीजल मार देते हैं। हमारी बाइक कितनी गंदी पड़ी है पता है? पापा कल अलवर गए थे ना, तो 400 किलोमीटर अप डाउन मैंने चलाया था, जिसके वजह से इतनी जो है गंदगी हो रखी है, पूरी बाइक गंदी पड़ी है। अच्छा बस तुम साफ कर दोगे क्या, या तो तुम लगा के कर दोगे साफ? Five hours later. मेरे बाइक की जो क्लच प्लेट है वो बैठ गई है बिल्कुल, मतलब चालू कर रहा हूँ जैसे गियर लगा रहा हूँ तो हल्का हल्का घूम रहा टायर और बस आगे नहीं बढ़ रही है, बहुत दिक्कत हो गया। अभी एक भैया मिले थे, वो मैकेनिक थे, बट वो कार के मैकेनिक थे, सो मैंने राहुल को बुलाया है, वो आ ही रहा है। बस मैं आ रहा हूँ अभी सेक्टर 9 से क्लच इसका जो है वो लेके आ रहा हूँ, चाइनीज पॉकेट लेके आ रहा हूँ, और यहाँ पे आते आते ये खराब हो गया, इतने दिमाग खराब हो गया यार। और कल संडे की राइड है, राहुल आया है और रेस दे दे के देख रहा है। लगाना जरा एक बार करना, डालो चालू करो गियर, डालो बढ़ाओ, ये देखो बढ़ी नहीं रही है, तो यही हो रहा है। चलो न्यूटन कर ले, हाँ चलो सर थैंक यू, मिलते हैं ब्लॉग में, बिल्कुल आएगी। मिल भी कैसे रहे हैं, चलो। तो भैया मिले यहीं हम खड़े थे जब से, यार मैं कहा यार ये क्या हो गया, अचानक में मुड़ा और ख़राब, जब चाइनीज पॉकेट लेने आया था सेक्टर 9। बट चलो निकालो मेन रोड पे लो, हाँ ये RKS के नाम से, इसका RKS से सर्च नहीं होगा ना, RKS BSK ब्लॉग लिखेंगे तो आ जाएगी इसकी। अच्छा। चलो चार से पाँच किलोमीटर धक्का दे के लाए, वो भी ट्रैफिक में। चलो भाई अब आ गए मिस्त्री साहब के यहाँ पे, देखते हैं आखिर इसमें दिक्कत क्या है। तो अभी दोस्तों मैं बाइक को छोड़ के जा रहा हूँ, सुबह आऊंगा इसको पिक करने के लिए, क्योंकि अभी पार्ट्स वगैरह मिल नहीं रहे। उस्ताद जी 12 बजे के बाद कभी भी है ना, हाँ, पक्का पक्का फोन नंबर ले जाऊंगा। आधे रास्ते राहुल ने साथ दिया, अब आधे रास्ते के लिए हमारे आ गए आशीष दोसांझ जी, तो ये अपनी राइडर कम्युनिटी की बात है क्या। और देख लो नसीब कैसा है कि कहाँ खराब हुई और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं। चलो मैं चलाता हूँ अभी, है मोजो फर्स्ट टाइम इन अ लाइफ। कहाँ गियर है इसके, किधर है? अच्छा ओके, अच्छा रेस नहीं देना, सही है। पहला आगे डल गया ना, वाह साउंड ऐसा है मस्त। कितने गियर है इसमें? 6 है। ओके भाई साहब मजा आ गया, ये बात तो यार नहीं, एक रियल साउंड है यार ये तो, है ना, मस्त साउंड है भाई यार। गाड़ी भी ऐसे दिन में खराब होना था,
मैंने पूरा पता चैन स्पॉकेट चेंज कराया, सब कराया और अचानक ये हो गया। और मुझे लगा कि बंदा दे देगा वो, लेकिन उनने मना कर दिया, बोलता अब कल ही मिलेगा भैया, पार्ट्स इसके हैं नहीं है। मैं चलो तो भाई आशीष हमारे पास इसलिए जा रहे हैं कि उनको कुछ राइडिंग गियर्स लेना है कल के राइड के लिए, इनके जो भाई है छोटे भाई उनके। वो अंदर बेस में आवाज़ सुनो, क्या बात है, मेरी गाड़ी खड़ी रहती है, आज मेरी नहीं है, कुछ और लेके आ रहा हूँ, देख रहे हो। क्या बात है यार, साउंड सुनो यार, क्या मस्त साउंड है, क्या बात है। हाय वंश, हेलो, कहाँ है यार, चप्पा आगे लाओ, इंची करो, गुड बॉय। अरे समझदार हो गया तो। कल रात को दोस्तों बाइक को मैं मैकेनिक के पास ही रख के आना पड़ा और जो भी उसमें दिक्कतें थी वो दूर कर दी है। तो मेरे पे कॉल आया था, मैं जा रहे हैं वहीं पे, ठीक है, और देखते क्या खर्चा आ रहा है। बता तो रहे थे 6,000 से 7,000 का खर्चा आ जाएगा। यार मेरी बाइक अक्सर ऐसे ही हो जाता है जब भी बीच में ख़राब होता है बस। और एक चीज़ की मेरे ना रात को तबीयत ख़राब हो गई थी, करीब 3 बजे से फीवर आ रहा है और सही नहीं लग रहा था। अदरवाइज़ मैं सोच रहा था कि किसी का बाइक जो करके जाऊँ वन नेशन वन राइड में, बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो वंश, ये ना वंश ना सुबह से ही नहा धो के अपना बैठा हुआ है मस्त, क्या देख रहे हो तुम ये। चलो पापा जा रहे हैं, बाय, बाइक लेने जा रहे हैं पापा, हैं भाई। वन नेशन वन राइड के राइड पे नहीं जा पाया बट हमारी बाइक जो है सही हो गई, बाहर खड़ी है। लाओ बिल दे दो भाई साहब, इतने चौक के क्यों देख रहे हो आप। उस्ताद जी ये बताओ कितना देना है, कम कितना करना है ये बताओ। 5,170 रुपये का बिल आ गया और हमेशा ऐसे ही बिल आता है भाई साहब। कमो ऑटोमोबाइल्स, भाई साहब मेरी बाइक पता नहीं कहाँ कहाँ सही होने को आ जाती है, क्योंकि जब रोड में ख़राब होता है तो आपको यही लगता है कि आसपास सबसे नियर बाई जो है कौन मिलेगा, तो हम वहीं जाते हैं। तो वही हुआ और राहुल आ गया जिससे कि मेरे को पैर लगाना हुआ, कल आपने देख ही लिया पूरा। चला चले गुरु जी, चलो अब घर चलते हैं। बस दोस्तों एक चीज़ का रिग्रेट रह गया कि मैं वन नेशन वन राइड में जा नहीं पाया। ऊबर में राइड 128 ले लो, ले लो, मैं जाऊंगा छोड़ के, मैं ले जाता हूँ। पूरी बाइक जो है वो पूरी सर्विस हो गई नई तरीके से, ऑयल वॉयल सब कुछ डल गया। एक बार दिखा दो भाई, ये खर्चे हो गए मेरे बाइक में 5,170 रुपये का, ये आइटम सारे डले हैं जिसमें सर्विस भी है, ऑयल वॉयल भी चेंज हो गया। चलो दोस्तों घर चलते हैं, इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी न्यू राइड न्यू वीडियो में। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।